औलाद का मोह। दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था। साथ में खाना, साथ में घूमना, कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो, हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे, कितना मजा आएगा ना। सच कहती हूँ माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। एक साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब एक साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारे जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं, दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए, लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं, डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं, हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा, मैं भी वैसा कर सकती हूँ, चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या। कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई, और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा, वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है। भैया और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता, ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो, इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं, इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के। भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता, अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत, बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है, तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा, अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करे। अरे कैसी बात करते हो, उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर। हाँ वैसे भाई साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है, आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया, इधर आओ, तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है, आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है, मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है। देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटे की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है, मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ एक साल का है, अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है।
देखे देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा? भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद, सुधांशु सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी, हमें एक ही कमरे की जरूरत थी इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है, अब देखो तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वो अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है, और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है, तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो, और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया आप इतने कैसे बदल गए, इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है, और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ, मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा, यहाँ रहो बिजनेस करो। सॉरी पापा मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानता नहीं तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का, अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूँ मैं, मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया, जानता नहीं तू बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए, और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फौरन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा, अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु माया हमें माफ कर दो,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद आप हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो खुद ही विदेश चला गया। भैया, भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूँगी, किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी, प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने एक साल के बेटे के लिए, क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का।